हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पप्पी हैज पॉपकॉर्न लाइफ। आज मैं और एक इजी रेसिपी लेके आई हूँ। आज बनाऊंगी सूजी का पैनकेक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैंने लिया है 1 बोल सूजी और करीब 1 बोल कर्ट। आपके पास ज़्यादा कट ना हो तो थोड़ा सा ही ऐड कीजिए, टेस्ट में बहुत फर्क नहीं आएगा। और मैंने लिया है चॉप कैप्सिकम, टोमेटो, टोमेटो का स्किन सीड्स मैंने निकाल दिया, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड फ्रेश करी लीव्स, करियंडर लीव्स और चॉप्ड ग्रीन चिली जो ऑप्शनल है। इनमें से जो जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है उसे यूज़ कीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। मैंने 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर डाला, अदरक पेस्ट भी आप डाल सकते हो, नमक स्वाद अनुसार। सबको मिक्स करूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बैटर को रेडी करना है। करी लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को अभी डाला। बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ना है। 10 मिनट हो गया है, बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए ऐसा ही होना है। अभी फटाफट बना लेते हैं पैनकेक। तवा को पहले से ही धीमी आंच पे प्री हीट कर लिया, ऑयल डाला, एक छोटे रोटी का शेप डालूंगी, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया। सूजी का पैनकेक थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि इसमें वेजीज भी है। मीडियम हीट पे करीब 5 मिनट के लिए कुक करके इसको टर्न करना है। दूसरे साइड को भी हम अच्छे से सेक लेंगे और 2-3 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। सूजी का पैनकेक बच्चे के लिए भी एक अच्छा फूड ऑप्शन है। देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक्ड हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा और क्रिस्पी पसंद हो तो थोड़ा और टाइम के लिए पैनकेक को तवा पे रखिए धीमी आंच पे, और एक दो बना के दिखा देती हूँ। Thank you.
आपने देखा कितना आसानी से बन जाता है सूजी पैनकेक। आप भी ज़रूर इसे बनाइए। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी रेसिपी के लिए। आज के लिए बस इतना सा ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।